आप देख रहे टेक्निकल पॉइंट एक गुप्ता। तो आज एक मेरे सामने डेड 3616 है उषा का, जो कि साफ डेड है। लाइन देने के बाद ये चालू नहीं हो रहा है, तो चलिए हम आपको लाइन दे देते हैं। लाइन इसको हम सीरीज से देंगे, ठीक है। तो ये 3616 इसका मॉडल है, देख लीजिए मॉडल ये, ठीक है। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं और पहले चेक करके दिखा दें ताकि इसमें लाइन आ ही नहीं रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सीरीज का बल्ब जल रहा है, ग्लो कर रहा है, और यहाँ सटा रहे हैं तो कुछ शो नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, देखते हैं आखिर की दिक्कत इसमें क्या है। चार नॉट है इसमें, ये रबर लगा हुआ था इसके ऊपर कवर, तो इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए कर दिया जाए। इसको ओपन कर दिया, तो जैसा कि देख लीजिए यही अंदर में इसमें। चलिए इसको पहले हम कॉइल को खोल के हटाते हैं। ये हीटिंग कॉइल है, पहले पीसीबी का तार निकाल के हटा देते हैं। चलिए तो कॉइल को खोल के हटा दिए, लग रहा है इसका आईजीबीटी सब फट गया, ये भी शॉर्ट है, ठीक है। ये फट गया, ये शॉर्ट ई है, तो इसको हम शॉर्ट कर देंगे, चालू हो जाएगा, ठीक है। इसको हम काट काट आ देंगे, फिर ये चालू हो जाएगा। चलिए ये अगर आपके पास है तो लगाइए, अगर नहीं है तो मत लगाइए इसको। ये ऐसे फिल्टर करने के लिए दिया गया हुआ रहता है, ताकि ज़्यादा वोल्टेज आने पर ये उड़ जाता है। फिर आपको लाइन देकर दिखाते हैं। ये तो ये पी ए फटता है, या तो ये पी ए फटता है, दोनों में से कोई एक फट जाता है, ठीक है। अगर ये दोनों सही है फिर आगे आई जी बी टी उड़ता है। अगर आई जी बी टी उड़ रहा है तो स्पीड में आपको घर का फ्यूज वूज सब उड़ा देगा। तो हम वायर कटर से इसको काट के हटाएंगे, जैसे कि वायर कटर हमने लिया है तो इसको हम काट के हटा देते, ठीक है। ये पी एफ होता है, हाई वोल्टेज आने के कारण ही उड़ता है। तो अभी काफ़ी वोल्टेज आता है, 300-350 है, तो ये उड़ गया है। आपको हमने वोल्टेज भी टेस्ट करा के बता दूंगा। और ये एक चीज़ और, जब वोल्टेज ज़्यादा रहे तो आप इसमें लाइन दीजिए ही नहीं, ठीक है। तो इसको हमने फिर लाइन देकर देखते हैं क्या, हम सीरीज से लाइन देंगे, ठीक है। कभी भी सीरीज से ही लाइन दीजिएगा इसमें, नहीं तो फिर प्रॉब्लम बढ़ सकता है। वोल्टेज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा काफ़ी है, लाइट भी कट चुका है, फिर लाइट आता है तो फिर वीडियो आगे बढ़ाते हैं, नहीं आ रहा है तो फिर देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। वोल्टेज बहुत ज़्यादा काफ़ी है, फिर भी लाइन नहीं आया, तो चलिए आगे फिर चेक करते हैं आखिर के लाइन क्यों नहीं आया। ऐसा हम इसको उखाड़ लेते हैं, पहले मेन कोड वाला सिस्टम है, मेन कोड का पावर सिस्टम यहाँ से हटा देते हैं, फिर खाली बोर्ड को चेक करेंगे। तो हमने साइड कर दिया यहाँ पर, ठीक। तो फिर सीरीज से हम चेक करते हैं इसमें लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसा कि पीसीबी भी लगा देते लेते हैं, पीसीबी लगा लेते हैं। चलिए इसको लाइन देते हैं। आ गया भाई, छिगल पानी आ गया। ये कौन थी? जैसा कि चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। तो देखिए मेरा ये पीसीबी ओके हो चुका है इंडक्शन।
इसका फ्यूज, यहाँ फ्यूज भी उड़ा हुआ है, देख लीजिए मेरा इंडक्शन अब चालू होने लगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम वैसे से था, शॉर्टिंग था, फ्यूज उड़ा हुआ है, तो हमने फ्यूज यहाँ पे लगा देंगे, काम करने लगेगा इंडक्शन। ऐसे पानी गर्म कर भी करके भी दिखाएंगे, क्या है कि अभी वोल्टेज बहुत ज़्यादा काफ़ी है, तो इसीलिए लाइन भी कट गया। वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा है, कमता है, फिर हम आपको चेक करके बताते हैं। देखिए जैसा कि फ्यूज उड़ा हुआ है, आपको दिखा दे अच्छा से, देखिए फ्यूज उड़ा हुआ है, मीटर से भी चेक करके दिखा दें। कंटिन्यूटी रेंज में मीटर को रख लेंगे, शायद मीटर का साउंड सुनाई देता होगा, तो देख लीजिए फ्यूज काम नहीं कर रहा है, फ्यूज भी खराब है, तो लाइन आता है तो फ्यूज हम चेंज करेंगे या तार थोड़ा सा पतला बांध देंगे, ताकि फिर जब कभी भी हाई वोल्टेज आए तो फिर लोड ले सकें। ठीक है, अभी लाइट आता है तो फिर इसको आपको हम चालू करके चेक करके दिखाते हैं।